नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के रीवा में घने कोहरे के बीच आबादी वाले इलाके में प्लान हुआ क्रैश, पायलट की मौत उड़ान पर खड़े हो रहे सवाल। रीवा के चोरहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत उमरी गांव में गुरुवार की देर रात भीषण हादसा हुआ है, जहां प्रशिक्षण देने वाला प्लान अचानक क्रैश हो गया, जिसमें सवार मुख्य पायलट कैप्टन विमल की मौत हो गई। वहीं घटना में प्रशिक्षण लेने वाली ट्रेनी पायलट गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि देर रात तकरीबन 11 बजे उड़ान भरने के बाद दुर्घटनाग्रस्त प्लेन उमरी गांव के घनी बस्ती वाले इलाके में स्थित एक मंदिर के गुंबद से टकरा गया, जिसके बाद यह हादसा हो गया। उस वक्त हड़कंप मच गया जब गुरुवार की देर रात एक प्लेन मंदिर के गुंबद से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार मुख्य पायलट कैप्टन विमल की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक गुरुवार की देर रात 11 बजे इस प्लेन ने हवाई पट्टी से उड़ान भरी और कुछ ही देर में प्लेन क्रैश होने की खबर मिली, जिसके बाद मौके पर पहुंची प्रशासनिक टीम ने तत्काल दोनों को ही पायलट को घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवा दी। यहां पर इलाज के दौरान मुख्य पायलट कैप्टन विमल की मौत हो गई। वहीं एक अन्य साथी पायलट सोनू यादव जो प्रशिक्षण ले रहे थे वह गंभीर रूप से घायल हुए। आपको बता दें कि पूरे घटनाक्रम में जो बात निकलकर सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि देर रात घने कोहरे की वजह से प्रशिक्षण देने वाला प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, जो पहले उमरी गांव में स्थित एक पेड़ से टकराकर मंदिर के गुंबद से टकरा गया। आसपास काफी घनी आबादी थी, समय अगर दुर्घटना प्लेन किसी घर से टकराता तो बड़ी हानि हो सकती थी। रीवा संभाग ब्यूरो राजीव तिवारी की रिपोर्ट। किस तरह कितने लोगों के हताश होने की? फाल्कन ट्रेनिंग एकेडमी का जो प्लेन है कल रात को 11:30-12 के आसपास ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। इसमें दो लोग सवार थे, इसमें ट्रेनिंग देने वाले जो पायलट थे उनकी डेथ हो गई है और दूसरे व्यक्ति का ट्रीटमेंट अभी चल रहा है मेडिकल कॉलेज में। और अभी पूरे क्षेत्र को हम लोगों ने पुलिस फोर्स लगा के सिक्योर कर लिया है, गॉर्डन ऑफ कर दिया है, जिससे कि जो स्पेशलाइज एजेंसीज अपनी इसमें इन्वेस्टिगेशन करती हैं आगे वो अपनी टीम लेकर आएँ और आगे इन्वेस्टिगेशन अपना कंप्लीट कर सकें और जो भी कारण इसके मूल रहे हैं उसको वो लोग ज्ञात करके अपनी आगे कार्रवाई कर सकें। जिनकी डेथ हुई है वो कहाँ के रहने वाले हैं, क्या पता चला? अब डिटेल्स निकाली जा रही हैं। वो यहाँ पर ट्रेनिंग देने का काम करते थे, वर्तमान में वहीं बेस्ड हैं, रीवा जिले में इन्होंने उनका निवास है, उनकी फैमिली वहीं रहती है। उनका पिछला बैकग्राउंड और पूरी डिटेल्स अभी हम लोग ज्ञात कर रहे हैं। ये कल रात में 11 बजे के आसपास जो ट्रेनी यहाँ पर प्लेन चल रहा था उसी का एक्सीडेंट हुआ है। उसमें से दो लोग थे, एक ट्रेनर थे और ट्रेनी थे, उन्हीं के हादसे में यहाँ पर घटित हुआ है। कैसे ये अभी तो क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कैसे हुआ है। टेक्निकल टीम जो आ रही है वो बॉम्बे से आ रही है, शाम तक आ जाएगी तो पूरे जो भी स्पॉट का निरीक्षण करने के पश्चात वो लोग बताएंगे, तब हम लोग को क्लियर हो पाएगा कि यहाँ से क्यों घटित हुआ है। हाँ, लगभग 11 बजे के आसपास से प्लेन ने टेक ऑफ किया था हवाई पट्टी से, और वो किस कारण से इतने नीचे पर था और क्यों एक्सीडेंट हो गया ये जो एक्सपर्ट टीम आएगी हमारी टेक्निकल वही बता पाएगी। देर रात प्रशिक्षण करना उचित माना जाता है? ये नाइट ट्रेनी रही होगी, उनका क्लीयरेंस ATC से होता है, उन्होंने क्लीयरेंस लिया था, जो भी पेपर हम लोगों को मिला है यहाँ पर दुर्घटना स्थल पर उससे तो यही स्पष्ट हो रहा है कि उनके पास था और कैसे एक्सीडेंट हो गया वो टेक्निकल टीम आने के पश्चात क्लियर हो पाएगा। कोई अनुमति ली गई है? वो ATC से क्लीयरेंस रहता है और प्रशासन से अनुमति पूर्व में इनको ट्रेनिंग के लिए थी और ATC से जो क्लीयरेंस कराता है वो ATC से आता है हम लोगों को। इसमें दो लोगों का हमें जानकारी प्राप्त हुई है, एक ट्रेनर थे कैप्टन बीमल और दूसरा जो ट्रेनी था वो उसका नाम सोनू यादव है, 22 वर्ष का है। कैप्टन की मृत्यु हो गई है जानकारी जो प्राप्त हो रही है हम लोगों को हादसे के दौरान, और जो ट्रेनी है सोनू यादव वो हॉस्पिटल में अभी भर्ती है, 22 वर्ष उसकी उम्र। कई दिनों से मौसम को अलर्ट जारी है, मौसम को लेकर इसके बीच घने कोहरे के बीच इस तरह की ट्रेनिंग करना? हाँ, अब वो ATC से क्लियरेंस होता है, जो ऊपर का एरिया होता है वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो होता है वो डिपार्टमेंट देता है, तब उसके बाद ही हवाई जहाज की यात्रा हो पाती है। उसके साथ हाँ, अब यहाँ पर हुई है घटना, मंदिर से टकराया है, उसके पश्चात से हो गया है दुर्घटना, कोई आम जन धन की हानि नहीं हुई यहाँ पर, ना ही कोई बड़ी दुर्घटना हुई, जो थे वही दोनों लोग वही हताहत हुए हैं इस मामले में। एक हमारे प्रशिक्षण रत जो थे माने पायलट वो दिवंगत हो गए हैं और एक अभी उनकी हालत माने खराब है। हम बहुत ज़्यादा इस घटना में के लिए दुख व्यक्त करते हैं, ईश्वर की कृपा थी, नहीं तो ये बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। पहले वो घर से टकराया, फिर पेड़ से टकराया, फिर मंदिर से गुंबद से टकराया, फिर यहाँ पे आके प्लेन हुआ, क्रैश हुआ। हमारे जो किसान भाई यहाँ पे हैं उन्होंने हमें सूचना दी, अभी हम आए हैं और उन्होंने बतलाया कि वो लोग नीचे दबे हुए थे, सीट जो है वो प्लेन की नीचे थी तो उन लोगों ने उसे ऊपर किया, उसी समय फ़ोन आ रहा था तो फ़ोन वहीं से शायद हवाई पट्टी से आ रहा था तो उसको फ़ोन रिसीव किया और घटना की जानकारी दी। उन सब लोगों को यहां से अस्पताल भेजा गया। बहुत ही दुखद घटना है, शोक संवेदना व्यक्त करते हैं। हम ये सोचते हैं कि आज अपने देश ने एक प्रशिक्षु पायलट ही जाके आगे
पायलट बनते हैं और एक देश ने प्रतिभावान अपना पायलट खो दिया। अब फ्लाइंग जोन का मामला टेक्निकल मामला है, इसे मान लीजिए जहां भी है फ्लाइंग जोन होते हैं तो सबसे बड़ी चीज है कि एयर स्ट्रिप में लाइटिंग होनी चाहिए रात में, जैसे मान लीजिए लैंडिंग के लिए रात में लाइट हो कि ना हो, कि ये तो सब मान लीजिए एयर अथॉरिटी जाने, अपना नागरिक उड्डयन मंत्रालय जाने और उन्होंने कैसी परमिशन दी ये तो सवाल माने सरकार जाने, लेकिन जो भी घटना हुई है बहुत ही दुखद घटना है, हम शोक संवेदना व्यक्त करते हैं। पूरे शहर में ये यहाँ पे शायद प्रशिक्षण के लिए दिया गया है, जिसके लिए यहाँ पे प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं हमारे यहाँ पायलट। तो ये प्लेन दिन में तो उड़ते हैं, कभी कभी रात में भी चल माने उड़ते हैं, और इसकी परमिशन कहाँ से मिलती है कैसी मिलती है ये तो आपको नागरिक उड्डयन मंत्रालय ही बतला सकता है। शासन से हमारी मांग ये है कि देखिए इस एरिया को पूरी तरह सुरक्षित किया जाना चाहिए। यहाँ पे अभी हवाई पट्टी विस्तार का मामला भी चल रहा है, किसानों को अभी तक पता भी नहीं है कि कहाँ तक हमारी ज़मीनें जाएंगी, कहाँ तक हवाई पट्टी का विस्तार होगा। हम आपके चैनल के माध्यम से केंद्रीय सरकार से एवं अपने मध्य प्रदेश शासन से मांग करते हैं कि इसमें पुनर्विचार करें, इसे हवाई पट्टी ही रहने दिया जाना चाहिए, क्योंकि घनी बस्ती है चारों तरफ और ये शहर के बीचों बीच हो जाएगा। जिस तरह से रीवा शहर लगातार बढ़ रहा है, अगर हवाई अड्डा कहीं बनाना है तो जैसे मान लीजिए सतना में भी हवाई अड्डा बन रहा है, सिगरौली में भी हवाई अड्डा बन रहा है, और अगर सचमुच में यहाँ हवाई अड्डा बनाया जाना ज़रूरी है तो बनाएं, लेकिन लोगों का कितना ज़्यादा विस्थापन होगा ये भी सोचें। क्या नाम भैया? चंद्र प्रताप सिंह। कौन सी जगह है, क्या चाहते हो? उमरी जगह ही है। रात में 11:30 बजे करीब हम लोग सो रहे थे, अंदर अचानक आवाज़ आई तो हम लोग बाहर निकल के देखा तो प्लेन यहाँ पे क्रैश था। पास जाके देखा उसमें 2 आदमी फंसे हुए थे, उनको हम लोग निकलवाए। उसी टाइम में उनका मोबाइल बज रहा था, ट्रेनिंग सेंटर से ही आ रहा था फोन, हम लोग रिसीव करके सूचना दिए, वहाँ से आए गाड़ी लेके वो लोग, तो हम लोग उनको गाड़ी में बैठवा के हॉस्पिटल भेजवाया ट्रीटमेंट के लिए। कितने बजे घटना है? 11:30 बजे रात की घटना है। आप लोग आप ही का घर है? मेरा ही घर है, मेरे घर के सामने की घटना है। और कोई नुकसान हुआ? जी और कोई नहीं, नहीं कोई नुकसान और नहीं हुआ है। मंदिर में टकराया है प्लेन, उसके बाद गिरा है। घर ही में थे जिस समय घटना? नहीं, घर ही में था, सो रहा था, आवाज़ आई बहुत ज़ोर से अचानक, तो हम लोग निकल के देखा बाहर तो प्लेन पड़ा था यहाँ। प्लेन का मलबा भी चारों तरफ दिख रहा होगा? हाँ, चारों तरफ पड़ा है मलबा कई फीट तक। ये मंदिर से टकराया जाते? हाँ, पहले घर से टकराया है छत में, उसके बाद पेड़ से टकराने के बाद मंदिर में आके टकराया है।